ये देख सकते हो आप काफी मात्रा में जो है ओले गिरे हैं और रोड पे गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, खासकर एक गाड़ी का नहीं चल पा रहे हैं। पूरी रोड बर्फ से सन चुकी है और अभी तो ओले पड़े हैं, बर्फ तो अभी पड़नी बाकी है। ये देख मौसम हो गया बहुत ही ठंडा। तो आप लोगों ने अगर ठंड का मजा लेना है तो आप लोग आइए उत्तराखंड, उत्तराखंड में अब पड़ने लगी ठंड, हो सकता है एक आध दिन बर्फ भी पड़ जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, आए हो क्या, सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आपका डेली व्लॉग में स्वागत है। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको यहाँ का मौसम। ये देखिए मौसम ने ले ली यहाँ पे करवट, और अभी तक ना दिसंबर जनवरी में एक भी दिन बारिश नहीं हुई और ठंड बिल्कुल भी नहीं हुई थी। सुबह सुबह धूप निकल जाती थी, सुबह शाम की ठंड थी, लेकिन अभी देख सकते हो आज अभी ये सूखी ठंड पड़ रही थी। देखिए कोहरा भी हो रहा है और बादल हो रहे हैं घने, बारिश हल्के। तो फाइनली हमारा तो हो चुका है ड्यूटी का टाइम, और आज जो है बाइक भी लेके नहीं जा सकते, बारिश है, बारिश में हल्की बारिश भी बाइक में तेज लग रही है और वैसी ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वैसी ठंड लग रही तो बाइक में तो ज़्यादा ही ठंड लगेगी। आज चल रहे हैं हम पैदल पैदल। ये देखिए सामने इस जंगल के रास्ते जाना होता है, कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए खतरनाक जंगल, पैदल का रास्ता ही है और रोड का रास्ता बिल्कुल सामने है। अभी दोस्तों आधे रास्ते में पहुंच चुका हूं मैं, और सामने पता नहीं क्या भाग रहा था, सुअर था कि क्या था, मैं दिखाई नहीं दिया और मैं फिसल गया, बहुत तेज लग गई, मेरे हाथ में खून भी निकल गया थोड़ा सा। ये लग गई सुबह सुबह ठंड में बहुत तड़कने लग गई, ये उंगली भी फूट गई, ये भी फूट गई, बहुत तेज गिरा मैं। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं एकेश्वर ब्लॉक में, और यहां पहुंचते 10 मिनट लग चुके हैं, करीब 1 किलोमीटर यहां पे पड़ता है, और मेरे को जो जाना है नौगांव खाल मार्केट, 2-3 किलोमीटर भी हो रहे आगे। तो चलते हैं, चोर दिखाऊं मैं आपको, जितनी लगी है ये देखिए पूरी उंगलियां खून निकल गया, इसमें घुटने पर भी काफ़ी तेज लग गई, और आधा किलोमीटर में आगे निकल आया हूँ। लेकिन अब तो और भी ज़्यादा धुंध सी होने लगी है, कोहरा ही कोहरा हो रहा है आगे, ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सामने, गाड़ी वगैरह में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल ही ये तो बिल्कुल ही हो गया खतरनाक, चारों तरफ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कहीं सफ़ेद चादर, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, दूर के पास भी नज़र नहीं आ रहा। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं जिंदा देवी मार्केट में, और यहां पे भी अभी देख सकते हैं आप कोई भी दुकान खुली नहीं है, अभी हमें 2 किलोमीटर और जाना है, तो चलते हैं। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं जिंदा देवी मार्केट में, और यहां पे देखिए अभी कोई भी दुकान नहीं खुली, छोटी सी मार्केट है और कोहरा लगा हुआ है खतरनाक। तो फाइनली हम लोगों को गाड़ी मिल चुकी है यहाँ से, और अब हम पहुँच जाएंगे 5-7 मिनट में। तो यहाँ से शुरू हो चुकी है नौगांव खाल मार्केट, और अभी है यहाँ पे सन्नाटा, कोई भी दुकान नहीं खुली ठंड के कारण। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं ऑफिस में, और हमें मिल गई थी लिफ्ट, और लिफ्ट भी हमें कितनी बड़ी गाड़ी से मिली है मैं दिखाता हूं। इस गाड़ी में लिफ्ट ले गया है मैं, गाड़ी उठाने आया किसी की, क्योंकि इस टाइम तो कोई टैक्सी वगैरह मिली नहीं सुबह सुबह, इसमें लिफ्ट ले गया है हम। इतनी ठंड में रोडवेज भी आ चुकी है, क्या कलाकार है, सब्जी आई है सब्जी। तो ठंड का मजा अगर आपको लेना है तो उत्तराखंड में आइए, ये देखिए काफी ठंडा मौसम हो रहा, छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हुए, और ठंड में जब ठंड नहीं थी तब छुट्टी हो गई, अब ठंड पड़ी तब छुट्टी नहीं है।
तो आप लोगों ने अगर ठंड का मजा लेना है तो आप लोग आइए उत्तराखंड। उत्तराखंड में अब पड़ने लगी ठंड, हो सकता है एक आध दिन में बर्फ भी पड़ जाए। ये देखिए खतरनाक मौसम, हो सकता है एक आध दिन में बर्फ गिर जाए। अब ठंडक हो गई यहाँ पे। इसी ट्रैक में हम आए थे, गाड़ी खींचने आया था, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। गाड़ी मिल गया। तो दोबारा से बारिश शुरू हो चुकी है और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। हम लोगों ने यहाँ पे आग जला लिया, थोड़ा सा हाथ वगैरह सेक रहे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे जला लिया हमने आग, और बाहर देखिए सामने मौसम फिर वैसे हो गया, दोबारा से बारिश शुरू हो गई। आपको कैसे हो रही ठंड? ठंड कैसे हो रही है? ये देखिए हमने जला लिया आग, ये पंडित ने। इस बेचारे को भी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, इसको भी हमने यहाँ पे आग के पास रख लिया, आग सेक रहा है भी। तो दोपहर के अभी 3 बज रहे हैं और मौसम देख सकते हो फिर दोबारा से खतरनाक हो गया है। और मार्केट भी आज जल्दी बंद हो गई क्योंकि किसी की डेथ हो गई थी, इस चक्कर में मार्केट भी बंद हो गई। लेकिन मैं तो अभी यहीं हूँ और काफ़ी खतरनाक मौसम हो गया, घर जाने में दिक्कत हो गई भी बहुत ज़्यादा। देखिए पूरा काला मौसम हो गया, वो ऐसी मौसम रहा ना तो कल तक ही बर्फ़ भी डाल देगा। बहुत तेज़ बिजली कड़क रही है और बारिश शुरू हो गई, देखिए हल्की हल्की। ये देखिए कितनी तेज़ी से बादल भाग रहे हैं, काले बादल आ रहे हैं, बिल्कुल बारिश भी शुरू हो चुकी है, झमाझम बारिश। ये देखिए दोस्तों कितने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक है। देखिए बहुत ही बड़े ओले, बहुत बड़े ओले हैं। पूरी रोड बर्फ से सन चुकी है और अभी तो ओले पड़े हैं, बर्फ़ तो अभी पड़नी बाकी है। ये देखिए मौसम हो गया बहुत ही ठंडा। तो फैमिली दोस्तों मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, शाम के 4 बज चुके हैं और कोई गाड़ी भी नहीं मिली इस टाइम। पूरी मार्केट आज बंद है देख सकते हो, और बर्फ़ कितनी ज़्यादा गिर चुकी है, सारी मार्केट बंद हो गई थी आज 1 बजे। देख सकते हो पूरी मार्केट ऊपर से लेकर नीचे तक सारी बंद है। मौसम भी है खराब। तो फाइनली मिल चुकी है मुझे गाड़ी, तो अब पहुंच जाऊंगा मैं टाइम पे घर। ये देखिए दोस्तों अभी भी कितनी ज़्यादा बर्फ़ दिखाई दे रही है रोड पे। ये देखिए इधर तो अभी भी पूरी ऐसी है, पूरे के पूरी रोड सफ़ेद हो रखी है बिल्कुल। क्यों ऐसे लम रहे थे नीचे? हाँ यहाँ बाइक नहीं चल सकी ना बिल्कुल भी, किले की हार्ड रही बिल्कुल, फिसल जान बाइक तो। ये 4 चक्के वाली गाड़ी इसलिए चल रही है, वो मेरे को लग रहा है गिर गई होगी, उसने सामान साइड में खड़ा होगा। ये देखिए कितनी ज़्यादा। तो फाइनली मैं अपने यहाँ ऊपर रोड पे जहाँ से मैं चलता हूँ यहाँ पे उतर चुका हूँ, मेरे को वहाँ से गाड़ी मिल गई थी। लेकिन ठंड जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ओले गिरे हैं, जो अभी तक बहुत ज़्यादा मात्रा में खतरनाक की मात्रा में ओले गिरे। अब एक गाड़ी कही जो ये देखिए अभी तक ये पिघले नहीं है बिल्कुल भी, पूरा वाइट वाइट हो गया यहाँ पे सारा। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई एक बारिश और एक ओले से, और ऐसी रात और रात तक बर्फ गिर गई, तो पैरों के नीचे फिसल भी रहे हैं बहुत तेजी से। बाप रे गिर गया, आसमान गिर गया था मैं एक बार, कितने ज़्यादा है तो पूरे फिसल रहे हैं, तो गोल गोल है ना, सीधा ले जाएंगे मुझे ऐसी घर। तो फोन तो कर देता हूँ बंद, नहीं तो फोन भी गिरेगा मेरा। तो फाइनली मैं घर तक पहुँच गया हूँ, अभी देखिए घर के आसपास भी कितने सारे हैं ओले जो पड़े हुए हैं। ये देखिए पूरा खेत वगैरह सब भर रखे हैं, और ये बिल्कुल जो हमारा आगे घर का आंगन है ये पूरा भरा हुआ है। ऊपर में 2 बार गिर भी गया फिसल के इसमें, देखिए बहुत ही खतरनाक। फाइनली दोस्तों पहुंच गया मैं घर पे, वीडियो करते हैं समाप्त, वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट करना, अगर आप नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब।